बाबू अग्निपथ स्कीम का जो भी विरोध कर रहे हैं, क्या सारे देशद्रोही हैं? क्या इन सबके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी? क्या इन दंगाइयों पे भी प्रशासन लाठी व गोलियां चलाएगी? जो देश की संपत्ति को जला रहे हैं, क्या एक एक दंगाइयों को चिन्हित कर इनके घरों पे भी बुलडोजर चलवाया जाएगा? नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनहित आवाज। इसी के चलते एक नया मामला सेना में संविदा पर रखे जाने वाले नवयुवकों के साथ का है। संविदा पर रखे जाने वाली योजना को भारी भरकम नाम अग्निपथ भर्ती प्रवेश योजना दिया गया है। जी हाँ, और संविदा पर सेना में नौकरी करने वालों को अग्निवीर नाम दिया गया है। जी हाँ, अग्निवीर नाम दिया गया है। आपको नहीं लगता ये भारतीय सिनेमा की फिल्मों के नाम और नायकों से मिलता जुलता है? यह बात आपको समझने में इतना ही काफी है आज के भारत के शासक और उनके सलाहकार किस कोटि के हैं। तथाकथित राष्ट्रवादी सरकार जो अपने देश के युवकों को स्थायी रोजगार देने में पूरी तरह से सक्षम है, वह जुमलों के जरिए उन्हें सरेआम ठगने का काम कर रही है, ऐसा युवाओं का कहना है। जबकि पिछले 2 सालों से सेना में कोई भर्ती COVID-19 के नाम पर नहीं की गई है। करीब 1.25 लाख पद सेना में खाली हैं। ये पद ना भरे जाएं, इसके लिए सरकार ने महामारी का सहारा लिया, अपने लिए आपदा में अवसर ढूंढा। लाखों बेरोजगारों को रोजगार देने का कथित राष्ट्रवादी सरकार के लिए महान अवसर है। अब जब वह भर्ती निकालने की बात भी कर रही है, तो ऐसी भर्ती जिसमें नव युवकों को महज 4 साल की नौकरी मिलेगी। जी हाँ, इस नौकरी के बाद उन्हें सेना की तरफ से ना तो कोई पेंशन दी जाएगी और ना कोई फंड और ग्रेजुएटी दी जाएगी। इसी के चलते जो युवा हैं वो इस स्कीम का बड़े पैमाने पर विरोध कर रहे हैं, और विरोध बहुत बड़े दर्जे पर किया जा रहा है, बल्कि सार्वजनिक संपत्ति को भी हानि पहुंचाई जा रही है और आगजनी तक की जा रही है। जबकि मोदी जी का ये फैसला स्वागत योग्य है, लेकिन कौन है ये पत्थरबाज, कौन है ये दंगाई? ये पत्थरबाज दंगाई जो अग्निपथ योजना के विरोध में सड़क जाम कर रहे हैं, ट्रेनों पर पत्थर फेंक रहे हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं सरकार से निवेदन करूंगी कि जैसी कार्रवाई मुस्लिमों पर की गई थी, वैसी ही कार्रवाई इन पत्थरबाजों पर भी की जाएगी। और क्या जल्द से जल्द इनके घरों पर भी बुलडोजर चलवाया जाएगा और इनकी भी फोटो प्रमुख चौराहों पर चस्पा की जाएगी? हमें उस क्षण का बेसब्री से इंतजार है जब कुछ प्रवक्ता गोदी मीडिया के राष्ट्रवादी देशभक्ति एंकरनिया और एंकर इन प्रदर्शनकारी युवाओं को टुकड़े टुकड़े गैंग, देशद्रोही, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, नक्सली, वामपंथी, कांग्रेसी वगैरह वगैरह घोषित करेगा, सरकार को बदनाम करने की अंतरराष्ट्रीय साजिश बताएगा, ना जाने किस किस संगठन का हाथ बताएगा। क्या अब योगी जी और शाह इनके कपड़ों से इनकी पहचान करेंगे? क्योंकि जितने भी युवा हैं वो भगवाधारी गमछे में दिख रहे हैं। क्या जल्द से जल्द इन देशद्रोही दंगाई पत्थरबाजों पर NSA और UAPA के तहत गिरफ्तार किया जाएगा? जो लोग सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्या उनकी संपत्ति कब्जे में लेकर सरकारी नुकसान की भरपाई की जाएगी? पिछले हफ्ते तो हजारों जगह प्रदर्शन के बाद 2-3 जगह हिंसा हुई थी, वो भी ज्यास्ती के बाद, और आज तो पूरे देश में बस ट्रेन में आग लगाई जा रही है, पथराव हो रहा है, सार्वजनिक संपत्तियों का नुकसान किया जा रहा है। फिर कहां है वो सब लोग और वो सरकार? पिछले हफ्ते ऐसी ही रांची का मामला सामने आया था, तब वहां पूरे कौम को पत्थरबाज कहने वाला और बुलडोजर का समर्थन करने वाले सेक्युलर समाज सामने आया था। क्या आज भी वो समाज सामने आएगा? भाई, अब हिप्पोक्रेटिक मानसिकता को दूर करने का अवसर मिला है आप लोगों को, तो इसका फायदा उठाइए मेरे प्यारे बुलडोजर सपोर्टर लोगों, इसका फायदा उठाइए आप लोग। देश में कोर्ट है, संविधान है, न्याय प्रक्रिया है, इसमें अधिकतर बहुसंख्यक वर्ग के युवा शामिल हैं, और यही बहुसंख्यक वर्ग आज अग्निवीर योजना के खिलाफ इस तरह हिंसक प्रदर्शन करके आखिर क्या साबित करना चाहते हैं? इन्हें देश की न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है क्या? अग्निपथ भर्ती प्रवेश योजना से हिंदू फासीवादी गंध भी आती है।
यह अप्रत्यक्ष तरीके से भारत की हिंदू आबादी को सैन्यकरण की ओर भी धकेलेगा। पर शिक्षा हथियार चलाने में सक्षम नवयुवक फासीवादी मूल्यों से लैस होने पर न केवल अपने लिए बल्कि पूरे भारतीय समाज के लिए कभी भी नासूर बन सकते हैं। इस सब पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। शुक्रिया।